हेलो, वेलकम टू जेनटेक नेटवर्क वायशा ट्रेनिंग फॉर नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उस पर काम करते हैं और कैसे उसमें थोड़े बहुत फिल्टर देखे थे हमने। ठीक है, थोड़ा एडवांस नहीं गए थे हम लोग, सिर्फ नॉर्मली सीखा हमने कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है। इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, वाई शार्क के थोड़े बहुत फिल्टर सीखेंगे, वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आप नेटवर्किंग प्रोफेशनल हैं, एथिकल हैकिंग हैं, सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या फिर काम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल फील्ड्स और बहुत सारे सिस्टम एडमिन के लिए बहुत कुछ इसमें ऐड किया हुआ है जो आप सीखेंगे नेटवर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें आपके जितने भी इंटरफेस होंगे जिससे नेटवर्क या फिर डेटा फ्लो हो रहा होगा, वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लैन पे हैं तो लैन दिखाएगा, वाईफाई पे हैं तो वाईफाई दिखा देगा। तो मैं करंटली ईथरनेट पे कनेक्टेड हूँ, तो ईथरनेट पे क्लिक कर, तो अभी जूम पे जो डेटा जा रहा है वो यूडीपी पे होता है। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल और लेंथ। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पे देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, सब काम के ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ठीक है, कैप्चर के फिल्टर्स, इसमें जो भी फिल्टर्स हैं आपके वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जूम करना है, कलराइजिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, वायरलेस, कोई क्रेडेंशियल है वो अगर कैप्चर किया है इसने वो दिखाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं रिजॉल्व एड्रेस कर दूँ तो ये वो सारे एड्रेस दिखाएगा जो यहाँ से रिजॉल्व हुए हैं, मतलब जो आईपी मैक वेबसाइट से आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हुए हैं, रिवर्स डीएनएस या फिर आईपी से वेबसाइट में कन्वर्ट हुआ है। कन्वर्जेशन किस आईपी का, दूसरे आईपी से कितना डेटा फ्लो हुआ है, कितना कन्वर्जन हुआ, कितनी बात हुई है, वो इसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, कितनी देर के लिए रहा है, IPv4, IPv3, सॉरी IPv6, ये सारी चीज़ आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो ड्यूरेशन के हिसाब से अगर फ्लो करें तो इस आईपी का इससे डेटा ट्रांसफर हुआ है, जो कि आई थिंक ये मेरा ही आईपी है और इससे कम्युनिकेशन हुआ है 139 134। इसको हम लोग कॉपी करके सर्च कर सकते हैं कि किससे बिलोंग करता है ये आईपी। ओके, और इसके अलावा इन पॉइंट्स किस आईपी से पैकेट्स कितना ट्रांसफर हुआ है, आरएक्स पैकेट्स, बाइट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी आपको। ठीक है, अगर कलराइजिंग रूल देखना है तो यहाँ पे कैप्चर में कलराइजिंग रूल जो मैंने पिछली बार भी बताया था, ये कलराइजर रूल सब यहीं पे दिख जाएगा आपको। अगर आप हटाना चाहते हो उसे यहाँ से हटा सकते हो। जूम इन करना है पैकेट्स को, थोड़ा सा पास देखना है यहाँ से कर सकते हो। थोड़ा बेसिक फिल्टर पढ़ते हैं। अगर मुझे डेटा फ्लो जितना भी हो रहा है उसमें HTTP पे जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, HTTP मतलब जो आपका ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ट्रांसफर होता है, ठीक है, उस पर जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो फिल्टर करना है, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, जस्ट HTTP, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके लिए मैं एक वायशार्क का फिल्टर, मेरे पास एक वायशार्क का फिल्टर पूरा PDF में है कि जो आप कैसे यूज करोगे उसका पूरा एक चीट शीट है। ठीक है, तो वो हम रिसोर्स यूज करने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक
देख लेते हैं डीएनएस। डीएनएस मुझे देखना है कि कौन कौन सी आईपी मेरे कंप्यूटर से ने रिजॉल्व करने की कोशिश की या फिर नहीं मेरा डेटा। तो ये रहा इस आईपी, इससे कनेक्ट होना चाहा और तो डेस्टिनेशन ये रहा, सोर्स ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा, यहाँ वहाँ पहुँचना चाहा। और इसका जो ए रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड मतलब जो वेबसाइट है ठीक है, उसका रिकॉर्ड ये जेन मैट एक्सटेंशन वट एवर इज दिस नेम। ओके इसको मैं क्लिक करके थोड़ा और अच्छे से देख सकता हूँ। ये नीचे में जो ये है जहाँ पे आपको टेक्निकल डेटा मिलता है थोड़ा सा ठीक है, इसको आप क्लिक करके ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है ठीक है। यहाँ पे दिखेगा ये ठीक है, 453 पे डीएनएस क्वेरी होती है यूडीपी। ओके तो यहाँ पे अगर मैं इंटरनेट वर्जन प्रोटोकॉल पे क्लिक करूं, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो सोर्स ये रहा, तो सोर्स आई थिंक ये मेरा पीसी है। आईपी कॉन्फ़िग हाँ ये मेरा सिस्टम है और रिजॉल्व हुआ है किस पे, डेस्टिनेशन है 94.140। ठीक है ये बता रहा है कि क्वारी की गई है इस आईपी की। यहाँ पे उसका रिस्पांस आया है जो कि ए रिकॉर्ड, जिसको आपका आईपी का रिकॉर्ड होता है जेनमैट एक्सटेंशन ठीक है, सी नेम कैनोनिकल रिकॉर्ड है ये S3RWS.US, और उसको उसका ए रिकॉर्ड मतलब जो आईपी एड्रेस है वो ये है 5228। ओके और इसी तरह से अगर यहाँ पे इसका ये डेस्टिनेशन इसको भेजा गया है डीएनएस पर, और पहले ये देख लेते हैं 94 ये है क्या। तो हम चेक करेंगे whois.com वॉइस ये है एड गार्ड जिसका मैं डीएनएस सर्वर यूज कर रहा हूँ ठीक है। डीएनएस सर्वर जो होते हैं जिनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी आईपी का, कौन सी वेबसाइट का क्या आईपी है ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रहा है कि इसका मुझे आईपी बताओ, और ये मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहा है कि इसकी आईपी ये है, ये इसकी आईपी ये है ठीक है। अब जो इसमें आईपी भेजी है यहाँ पे मैं क्वेरी भेज देख सकता हूँ। रिक्वेस्ट देखते हैं कि पूछा क्या है। इसका आईपी पूछा है ठीक है, और इसका रिस्पांस फ्रेम नंबर, ये जो होता है ये फ्रेम नंबर होता है ठीक है, डेटा फ्रेम फ्लो फ्लो करता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ये रहा रिस्पांस, सॉरी अभी रिस्पांस में आया नहीं है, यहाँ पे अभी क्लिक करें तो ये रहा उसका जो रिस्पॉन्स है, स्टैंडर्ड क्वारी रिस्पॉन्स ठीक है, क्वारी जेनमैट इसका टाइप ए एंड आंसर ये वेबसाइट है ठीक है,
ये रहा टाइप ए इन एड्रेस 52218। लेट्स इसे भी नोट कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, क्योंकि ये है इसका रिस्पांस। इस ट्रेन डीएनएस को सर्वर को मैंने भेजा, उसका रिस्पांस यहाँ पे आया है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम डिले भी, जिस हम कहते हैं कितने सेकंड में रिस्पांस और रिक्वेस्ट आ रहा है और रिस्पांस आ रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है, जो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं किसका आईपी है। अगेन हुई रिकॉर्ड देखेंगे हम। फिफ्टी टू 218 84 75। तो ये अमेजोन टेक्नोलॉजी लुक्स लाइक कि अमेजोन वेब सर्वर का ये रिस्पांस, ये वेबसाइट है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ओके okay. तो इस तरह से डीएनएस रिक्वेस्ट और रिस्पांस आप किसी भी चीज देख सकते हो। इसी तरह से आर्प का भी देख सकते हो। याद होगा अगर मैंने बताया था कि अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ किसी राउटर से, मैं क्वारी भेज रहा हूँ कि इस आईपी, इस मेरे को हर आईपी का ये लिस्ट है आईपी की, इसका बताओ मैक एड्रेस क्या है, तो हर डिवाइस मेरे को रिप्लाई भेजेगा। जैसे कि अभी मैं अपने फोन से एक आर्प रिक्वेस्ट भेजता हूँ सारे डिवाइस को, ठीक है, या फिर राउटर को। तो देखते हैं क्या दिखता है हमें वायशार्क पे। ओके कैप्चर रोका हुआ है, अब करते हैं। ये देखिए मेरे फोन ने अभी आप रिक्वेस्ट भेजा एंड पे क्लिक करते हैं। ये एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, पूछा गया है कि क्या है सेंड मैक एड्रेस दिस, और ये ब्रॉडकास्ट है, सबको भेजा गया, टारगेट आईपी ये है, ठीक है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि किसका यहाँ पे ये मैक एड्रेस है, ठीक है, 104। ओके देखते हैं कहीं रिप्लाई आया है कि नहीं। रिप्लाई नहीं दिखा रहा, इसमें दिखाया, जैसे कि चलो मैं अपने कंप्यूटर से करता हूँ। मेरे में ये रिस्पॉन्स सेव है पहले से कैश मेमोरी में कंप्यूटर की। वैसे मैं कैप्चर कर सकता हूँ, तो कैप्चर करके दिखाते हैं एक मिनट। अभी यही वील फो का एक नेटवर्किंग टूल है, इसको हम यूज करेंगे इसमें काफी सारी ट्रबल शूटिंग और एरर को चेक करने के लिए। तो अभी मैं इस कंप्यूटर से आप रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है, और देखते हैं मेरे को रिप्लाई कितनों का आता है, और रिप्लाई आता है तो कैसा दिखता है, ठीक है। लेट्स सी। मैंने राउटर को मैंने पूछा यहाँ पे कि आप रिक्वेस्ट क्या है, और राउटर ने मेरे को शायद रिप्लाई दिया है कि ये डिवाइस जो है इसका आईपी एड्रेस ये है, ठीक है। और लेट्स सेलेक्ट इंटरफेस वी इथरनेट है, मैं अभी मैं इथरनेट पे सेलेक्ट हो जाता हूँ। यस ठीक है, अब चेक करते हैं।
तो यहाँ पे कुछ आर ब्रॉडकास्ट हुआ है टेक लिथियम टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर से, पूछ रहा है कि ये डिवाइस कहाँ है। ओके सो लेट्स सी इसके बारे में। जो प्रोटोकॉल आप सर्च करो उस पर बस क्लिक कर दो, और यहाँ पे आपको सेंडर का मैक ये रहा, और ये उसका आईपी, टारगेट का आईपी ये है, और ये इसका मैक एड्रेस ढूंढ रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है आपका, ठीक है। और भी फिल्टर है, जितने भी आप बस एक दो या दो वर्ड टाइप करो, ये उसका बाकी का फिल्टर बता देगा। HTTP कंटेन, TCP कंटेन्स, TCP पोर्ट नंबर, तो फिल्टर की पूरी लिस्ट है, ठीक है। वो फिल्टर की लिस्ट हम देखेंगे और उसमें से फिल्टर करेंगे कि कैसे कोई भी चीज फिल्टर हमें वाईशार्क यूज करना ट्रबल शूटिंग के लिए, ठीक है, तो वो कहाँ से आप ढूंढोगे, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं जहाँ से पिंग भेजता हूँ, ICMP, ICMP क्या होता है, जब पिंग किसी डिवाइस को भेजते हैं तब वो बताता है कि वो डिवाइस चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंप्यूटर को भेजता हूँ किसी डिवाइस को, पिंग अपने ही डिवाइस में किसी को, वो आईपी जो अभी चल रही है 103, ओके। तो रिप्लाई रिस्पॉन्स वाईशार्क भी रिकॉर्ड हो गया, यह एरो बताता है रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ से रिप्लाई आया है, रिक्वेस्ट क्या है, रिप्लाई आया है, ठीक है। इसी तरह से काम करता है। सीक्वेंस नंबर 17, 18, 19, 20, ठीक है। एक रिक्वेस्ट ICMP में, पिंग में एक रिक्वेस्ट और रिप्लाई, एक सीक्वेंस नंबर उनका सेम रहेगा, ठीक है। तो अगेन बस इसे ओपन करेंगे, जो पैकेट सर्च कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वो दिखाएगा कि क्या रिक्वेस्ट था या रिस्पॉन्स था। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रेम इस नंबर पे 1159, 5595, ओके। क्लिक करेंगे अपने आप ये वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। एंड हियर इट इज रिस्पॉन्स। ये बेसिक फिल्टर्स हैं आपके वाईशार्क के, जो वाईशार्क पे काम करते हैं। एनालाइज भी कर सकते हैं आप फिल्टर्स को डिस्प्ले करके, इथरनेट टाइप, आईपी वर्जन 4, कोई आईपी फिल्टर करनी है कि मेरे ही, मैं अपने कंप्यूटर से और किसी स्पेसिफिक आईपी या किसी भी स्पेसिफिक डोमेन पे कोई डाटा भेज रहा हूँ, तो आईपी डॉट एड्रेस, ठीक है, इक्वल इक्वल और एंड डीएनएस, और डीएनएस नहीं, HTTP। अब मैं फिल्टर कर रहा हूँ कि मेरे कंप्यूटर से और HTTP में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, उन दोनों को ही ये दिखाए, ठीक है। और या फिर यहाँ पे मैं TCP लगा सकता हूँ, तो TCP पे जो भी डेटा गया है वो मेरे आईपी कंप्यूटर से ये सिर्फ वही फिल्टर करके दिखा रहा है, ओके। डीएनएस मेरे कंप्यूटर से क्या क्या डीएनएस क्वेरी है, मतलब कौन कौन सी वेबसाइट पे मेरे कंप्यूटर ने कनेक्ट करने का कोशिश किया है या क्वेरी किया है, वो फिल्टर कर सकता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। जैसे इसका पूछा गया है कि है microsoft.com, amazon, AIP, सो ये मेरा डीएनएस सर्वर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, और बस यहाँ पर राइट क्लिक करके मुझे इसको फॉलो करना है, और यूडीपी स्ट्रीम, अब मुझे सिर्फ यही फिल्टर दिखाएगा ये, ठीक है। इस पे जो भी डेटा मेरा आया है और गया है, ठीक है। तो गाइस आज भी के लिए इतना ही है, थोड़ा एडवांस फिल्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और भी वीडियो आने वाले हैं, और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं, जिसमें हम लोग अटैक करेंगे नेटवर्क में, और नेटवर्क को अटैक करने के बाद उसे हम लोग खुद उसे डिटेक्ट करेंगे वाईशार्क के जरिए। और भी बहुत, और सिर्फ वाईशार्क नहीं, वाईशार्क के अलावा और भी दूसरे नेटवर्किंग टूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इसी में। तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर।
मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, थैंक यू, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें।